गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 12 जिसका नाम है रानी। यहाँ पर दी गई जो कहानी है वो लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखी गई। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी पशु पक्षी से प्यार करते हैं उसके अंदर से यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है वो रानी। रानी उनकी घोड़ी का नाम, किसका नाम था? घोड़ी का नाम। यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो संस्मरण यानी कि उनकी यादें थी, तो उनके बचपन में जो भी उन्होंने किया था, उनको जो भी पशु पक्षी से जो लगाव था उनके अंदर से एक संस्मरण जो उनको याद है वो यहाँ पर लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा ने दिया है। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे संस्मरण यानी कि कुछ ऐसी यादें होगी जो हमें बचपन से आज तक बड़े हुए तो भी हमें वो ही बातें याद रहे। यही बातें जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा ने हमें इस लेसन के अंदर दिए। रानी उनकी घोड़ी का नाम था, वो घोड़ी कैसी थी उसके बारे में और उसके उसके साथ जो उनके लगाव थे वो लगाव के बारे में यहाँ पर हमें ये लेसन दिया गया है। हम भी हमारे जीवन के अंदर जो ऐसे संस्मरण होंगे, हम भी आपको पूछेंगे कि आपके संस्मरण में आपके बचपन के अंदर यानी कि आप छोटे थे 5-6 साल के जब UKG LKG फर्स्ट में पढ़ते थे तो वो दिनों में आपके कुछ संस्मरण याद करो, तो आपके साथ कुछ ऐसे ही संस्मरण याद आएगी, कुछ ऐसी यादें आएगी जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। आपको बहुत ही अच्छे हम देख सकते हैं कि आपके साथ आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, वो रिश्ते में से कुछ ही लोग आपको याद होगी, सारे के सारे याद नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी महादेवी रानी ने महादेवी वर्मा ने अपनी घोड़ी जो थी रानी उसके साथ उनके कैसे लगाव थे, उनके साथ उसके जो संस्मरण थे वो ही बातें यहाँ पर हमें दी गई है। ओके, हम आप सभी के पास पाठ्य पुस्तिका है तो वो लेसन नंबर 12 खोलो तो हम रीड करते हैं और मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा के बहुत ही यानी कि वर्मा के पशु पक्षियों के गहरा लगाव था। उन्होंने उससे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक स्मरण लिखे। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है, उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका का रानी के साथ निक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि उनकी जो कुतिया थी उनके साथ भी बहुत ही लगाव था और वो भूल नहीं पाए। महादेवी जी की सहृदयता पाठ का यहाँ पर दिल छू लेने वाली बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके जीवन के अंदर जो रानी है यानी कि जो घोड़ी है उसका क्या महत्व था, उसके साथ जो भी संस्मरण उनकी यादें थी यहाँ पर उन्होंने दी गई है। उनके पास और दो जो जानवर थे उसका नाम क्या था, तो एक का नाम था निक्की, वो क्या था? नेवला। और दूसरा कौन था? तो रोजी, वो कौन थी? तो वो कुतिया यानी कि उनकी कुत्ती थी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो भी प्राणी के साथ उनके संस्मरण थे उसके अंदर से यहाँ पर रानी यानी कि उनकी जो घोड़ी है वो घोड़ी के संस्मरण, कौन है रानी? तो उनकी घोड़ी जो है उसके संस्मरण यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। बराबर, हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं होगी कि जो हमें हरदम याद रह जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेखिका ने पाठ की शुरुआत कहाँ से की है। लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी, वहां अंग्रेज बच्चों को गधे पर सवार देखकर उनकी बहुत अचरज हुआ, अचरज यानी कि आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बिठाया जाता है, तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का
दंड देकर भारत भेज दिया गया। यानी कि यहाँ पर शुरुआत जो है वो देखते हैं कि लेखिका ने अपने संस्मरण की याद कहाँ से की। हम देख सकते हैं कि कोई भी हमें याद कब कब आएगी, तो जब वो दोबारा या तो उसको कुछ आश्चर्यजनक हमारे साथ बात बनेगी तब। तो यहाँ पर भी महादेवी यानी कि लेखिका को ये संस्मरण कब याद आते हैं, तो वो बचपन के अंदर वो घोड़ी यानी कि घोड़ी की बात आती है, उससे पहले उन्होंने गधे की बात की है कि अंग्रेज बच्चे जो थे उनको गधे पर बैठकर उसको आश्चर्य हुआ कि जब भी कोई अपराध करता है तो उसके उसको गधे के ऊपर बिठाकर हम देख सकते हैं कि जूतों की माला पहनाते हैं, उसका मुंह काला करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अंग्रेज बच्चों को गधे के ऊपर बैठते देखकर लेखिका जो है महादेवी उनके मन के अंदर ये आश्चर्य आने की ये प्रश्न उठा कि इन बच्चों ने गधे की सवारी क्यों की है। तब उनका नौकर जो था रामा, बराबर नौकर का नाम क्या था रामा जो है, वो उनको बताता है कि ये बच्चों को विलायत यानी कि इंग्लैंड के अंदर उन्होंने अपराध किया था और अपराध के तौर पर उनको ये सजा मिली है कि उनको विलायत से गधे पर बैठकर भारत आना है। बाद में देखते हैं महादेवी और घर के दूसरों बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफेद टट्टू पर बैठेंगे? यानी कि पिताजी ने यहाँ पर उनको आश्चर्य यानी कि उनको बिठाने के साथ उनके साथ थोड़ी मजाक कर ली है कि मैं आपको बिठाऊंगा परंतु किसके ऊपर बिठाऊंगा, सफेद टट्टू पर। तब जो हमारी लेखिका है वो उत्तर देती है, महादेवी ने कहा सफेद टट्टू तो गधा ही होता है, उस पर तो दंड पाने वाले बैठते हैं। यानी कि उनके पिता ने जब बच्चों ने जीत पकड़ी, घर के सारे बच्चे बोलने लगे नहीं हमें भी घोड़े पे बैठना है, हमें भी अधिकार है घोड़े के ऊपर बैठने का। तब उनके पिताजी ने मजाक में उनको ये प्रश्न कर दिया कि मैं आपको बिठाऊंगा परंतु कहाँ पर बिठाऊंगा, सफेद टट्टू पर। यानी कि हम देख सकते हैं टट्टू किसे बोलते हैं, तो वो न गधा होता है न घोड़ा होता है, उसके बीच वाला जो आता है उसे हम टट्टू कहते हैं। न उसकी हाइट घोड़े जैसी होती है न गधे जैसी होती है, वो मिडल साइज का। यानी कि हम देख सकते वहां पर लेखिका का प्रश्न था कि हमने कोई अपराध नहीं किया इसलिए पिताजी हमें तो घोड़े के ऊपर ही बैठना है। बाद में बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी का आय हुआ, यानी कि यहाँ पर उनकी जो भी इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए उनके पिताजी ने रानी नाम की जो घोड़ी है उनको घर पर लाया गया। बाद में है देखो उसके लिए छट्टन नामक यानी कि छट्टन जो है जो घोड़े की देखभाल करता है, साइंस यानी कि हम देख सकते हैं कि घोड़े की देखभाल करने वाला को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। यहाँ पर उनको लाया गया, घोड़ी के रखवाल का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजा रानी था, क्या नाम था पूरा, तो ताजा रानी। उनका घोड़ी का पूरा नाम क्या था, तो ताजा रानी था, और वो घोड़ी की रखवाली के नाम रखवाली करने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने छट्टन नाम का एक आदमी था उसे रखा था। पहले तो ताजा रानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा नहीं लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। यानी कि पहली बार जब घोड़ी घर के अंदर आई तो सभी बच्चों को उससे कुछ लगाव यानी कि पसंद नहीं था, वो उनके पास नहीं जाते, उससे दूर रहते थे। परंतु जब जैसे जैसे दिन चलते गए उनको जैसे नेवले के साथ कुत्ती के साथ जैसे संबंध थे, वैसे ही अब घोड़ी के साथ भी उनके संबंध यानी कि उनके साथ सहानुभूति हो गई। बाद में देखिए रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि रानी घोड़ी का जो देखभाव है यानी कि हम देख सकते हैं कि रानी घोड़ी कैसी दिख रही थी उसके बारे में ये पैराग्राफ है, तो बड़े ध्यान से देखना बराबर। तो यहाँ पर रानी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, उसके चमकदार रंग पर
दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी, यानी कि उसके चमकदार चॉकलेटी रंग पे उसका जो शरीर का कलर है वो रंग कौन सा है, चॉकलेटी है, तो उसके ऊपर जैसे उनकी नजर पड़ती थी तो उसका चमकीला शरीर देखकर वो नजर वहां से फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग झुलता आलय, आलय यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आलय यानी कि घोड़े के गर्दन पर जो बाल होते हैं वो बाल वाला हिस्सा, यहाँ से हम देख सकते हैं उसके पीठ तक का जो गर्दन होती है वहां पर उसके बाल जो होते हैं वो अलय यानी कि उसका जो हिस्सा है वो पारदर्शीला, जैसी आंखें, उजले दांत, लाल जीभ, गुलाबी होंठ, मोर पिंच सी पूंछ और बैठा हुआ शरीर सब कुछ आकर्षक था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घोड़ी का जो रंग है वो कैसे दिखती थी तो उसके बारे में, तो उसका रंग कौन सा था, चॉकलेटी, बराबर। उसका अलय यानी कि उसके गर्दन वाला भाग जो है वो बालों से भरा हुआ था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसकी आंखें जो है वो एकदम पारदर्शी थी, यानी कि वो बड़ी बड़ी आंखें जो थी वो उसके अंदर से पारदर्शिता दिख रही थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके उजले दांत, तो उसके दांत जो थे वो भी एकदम चमकीले और उज्जवल थे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके लाल जीभ है, होंठ जो है वो गुलाबी है, ऐसी यानी कि घोड़ी की पूरी शरीर की यहाँ पर बात की गई है, बराबर। और उसकी मोर पिंच सी पूंछ यानी कि उसकी पूंछ जो है वो मोर पिंच जो होते हैं, हम मोर के पिंचों से अपनी जो झाड़ू बनाते हैं वो झाड़ू वाली यहाँ पर मोरछल जैसी जो उसकी पूंछ थी वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद देखिए बच्चे रानी से हिल मिल गए, वो उनके शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अलय में फूल खिसोते, यानी कि उसके जो बाल थे गर्दन के वहां पर फूल भी लगाते थे कभी कभी, उसके ऊपर वो खेलते थे। रानी उनकी मित्र बन गई, वह पैर पड़ाकर या हिन हिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। जीन आदि खिलाकर घोड़ी पर सवार करने का इंतजाम किया गया, किंतु बच्चों को मनमानी करना चाहते थे, मनमानी की बिना उन्हें संतोष नहीं होता। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठ गई, यानी कि अब यहाँ पर महादेवी के साथ ये घोड़ी जो है उसके साथ एक जो उनके साथ एक प्रसंग बना, यानी कि उसके साथ जो एक घटना घटी है वो यहाँ पर हमें दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक दिन पहले तो घोड़ी के ऊपर बैठना हो तो उसके ऊपर बिछाने, यानी कि उसको जो पकड़ के रखे वहां पर बैठ सके ऐसी बिछाने लगानी पड़ती है। परंतु बच्चों की मनमानी के कारण, यानी कि महादेवी और दूसरे बच्चों की मनमानी के कारण वो नंगे यानी कि उसके ऊपर कुछ बिछाना लगाया नहीं और उसके ऊपर बैठना चाहते थे। महादेवी एक दिन उसके ऊपर ऐसे ही पीठ पर बैठ गए। वे रानी का अलग पकड़े थी, यानी कि उसके बाल जो थे गर्दन के वो पकड़ के बैठ गए। रानी इस तरह सवारी करने को दुखी चला रहे इधर उधर घूमकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी को जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर यही थी, उनके भाई ने अपने हाथों से पतली सी छोटी यानी कि जो छड़ी आती है वो छड़ी से रानी के पैर पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा, किंतु उसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में
कोई कमी नहीं आई। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रानी थी उसकी पीठ पर महादेवी बैठ जाती है, परंतु ऐसे ही वो संभाल कर रानी के ऊपर बैठते हुए बच्चे, तो वो संभाल कर उनके साथ थोड़ी कुत्ती धीरे धीरे चलती चलती उनकी जो घूमने की इच्छा है वो पूरी कर देती थी। पर उस दिन क्या हुआ, तो लेखिका यानी कि महादेवी के जो भाई थे उनके हाथ में क्या थी, छड़ी थी, और छड़ी जो थी वो रानी के पैरों पर उन्होंने जोर से मार दी। तो जो रानी है वो डर गई और डर के साथ गुस्से में आकर वो वहां से भागने लगी। उन्होंने यानी कि महादेवी ने उसके बाल जो थे अलग जो था वो पकड़ा हुआ था, फिर भी वो एकदम अचानक रुक गई तो महादेवी उसके ऊपर से नीचे गिर गई और कुछ दिनों के लिए उनको बिस्तर पर यानी कि उनको आराम की जरूरत पड़ी थी। परंतु लेखिका यानी कि महादेवी ने ये रानी के इस बर्ताव से उसके साथ कोई आत्मीयता कम नहीं की। थोड़े दिनों के बाद वो जैसे थे वैसे ही आत्मीयता के साथ महादेवी जो है वो रानी के साथ घुल मिल गए। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, नानी ने महादेवी जो उनकी नानी है उन्होंने महादेवी के भाई को जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। यानी कि हम देख सकते हैं कि उसको जो छोटे छोटे भाई थे तो उनके हाथों में पहनने वाले सिंह के मुद्रा वाले जो सिंह के सिंहासन जैसे जो सिंह की आकृति तोड़ी हुई होती है वैसे कड़े भेजे थे, वो उन्होंने किसको, तो रानी के कानों के अंदर लगा दिए। आगे देखिए, बच्चों को रानी से प्यार था, वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल गए। कड़े न देखकर शाम को तपाश हुई किंतु कड़े का कोई नहीं पता चला। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के पिताजी का ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कानों से खुरने से खोदती रही थी, हिनहिना रही थी। बाबूजी ने वहां की मिट्टी को हटाने का आदेश दिया, वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहां पर छिपा दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर बच्चों ने सोने के जो कड़े थे वो रानी को पहनने के लिए उसको गिफ्ट में यानी कि तोहफे में दे दी। उनके कानों के अंदर उसने जो बच्चों ने कड़े पहनाए थे, परंतु वो कड़े जो थे वो किसी ने निकाल दिए और वहां पर जो वो बैठती है वो रहती है वहां पर थोड़ी और वहां पर खड्डा खोद कर यानी कि खड्डा किया और उसके अंदर वो छिपा दिए। यानी कि फिर रानी ने ही वो खड्डा उनको दिखाया और जो सोने के कड़े थे वो उनको वापिस मिल गए। उनके पिताजी ने उसके जो पैरों से वो इशारा करती थी वो समझ गए और वहां पर खड्डा खुदवाया तो अंदर से उनके जो सोने के कड़े थे वो निकले। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। बच्चों ने पूछा ये कहाँ था, रामा ने बताया कि वह जीव रानी के पेट में दाना चर रहा था, दाना चारा करकर सो रहा था। भाई ने पूछा और भी है, रामा ने स्वीकृत में शिकार सिर खिलाया। अब तो अबोध यानी कि जिसकी बुद्धि कम है महादेवी को खीज होने लगी। यह छोटे जीव कुछ काम धंधा करते नहीं है और चारा खाकर पेट में लिपटे रहते हैं। यह विचित्र प्रस्ताव बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीवों को बाहर निकाल लिया जाए। परंतु सांप काटने वाले चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। यह समस्या की और उनका ध्यान गया, पेट चीर डालने पर वह कैसे सिले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बाद में रानी जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चे थे तो उनको मालूम नहीं था कि जैसे हर पशु पक्षी के पेट के अंदर उनका जीव जो नया जीव है वो वही से उधर से ही प्रभावित होता है, उधर से ही वो निकलता है। तो यहाँ पर ये बच्चे भी
कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि वो छोटे थे, हम भी छोटे होते हैं तब भी, यानी कि हमारे अंदर भी ऐसी अबोध बुद्धि, यानी कि हमारे अंदर भी ऐसी कई बार गलत धारणा होती है जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ। तो यही बात यहाँ पर महादेवी और महादेवी के भाई के साथ हुआ। जब रानी ने बच्चा दिया तो उन्होंने जो रामो था उससे प्रश्न किया कि ये कहाँ से आया, तो रामा था उसने बताया कि रानी के पेट के अंदर वो दाना चारा खाकर सो रहा था, अब वो बाहर आया है। तब उसके भाई और लेखिका यानी कि महादेवी ने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा है तो चाकू लाओ, हम जो रानी है उसका पेट जो है वो फाड़ देते हैं और उसके अंदर से जो भी जीव है वो उन सबको निकाल देते हैं, बराबर। पर उनको लगा कि चाकू जो है उसके काटने से, यानी कि उसको काट के उसके पेट को काट के वहां से जीव तो निकाल लेगी पर उसको सिलेंगे कैसे, ये प्रश्न जो था उसकी वजह से वो रुक गए, वो समस्या लगी। सुई दोरे से काम चलेगा नहीं, रामा के पास से सुझाव मिला असंभव है, यानी कि यहाँ पर जो रामा उनका नौकर था उसने बता दिया कि ये असंभव है, ये शक्य नहीं हो सकता, ऐसे ही हम उसके पेट को चीर नहीं सकते और उसको सील भी नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा करना जो है वो गलत बात है और समस्या से भरा हुआ है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़े हो गए, अब उसके साथ खेलने और जो घोड़े का बच्चा था वो बड़ा हो गया, उसके साथ ये सारे खेलने लगे, पेट में रहे जीवों के प्रति उनका क्रोध भी शांत हो गया। और हम लास्ट में देख सकते हैं कि बच्चे भी बड़े हो गए, वो घोड़े का बच्चा यानी कि रानी का जो भी बच्चा था वो भी बड़ा होने लगा, तब उनको धीरे धीरे ये बच्चे से भी प्यार करने लगे और उसके साथ लगाव करने लगे, और उनकी भी समझ में, यानी कि वो बच्चे थे वो भी थोड़े बड़े हुए तो उनको यह भी मालूम हुआ कि ये जो क्रिया है वो, ये जो प्रक्रिया है वो कुदरत के अधीन है, वो गलत नहीं है, वो सही है। वो जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे वो समझते गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महादेवी रानी यानी कि लेखिका जो है उनके जीवन में जो रानी नाम की घोड़ी थी उसका साथ और उसके साथ जो उनका समय जो बिताया था उसके संस्मरण उनके जीवन के अंदर जो भी मिला है, उसके साथ जो भी समय जो बिताया है उनके पशु पक्षी के लगाव के कारण यहाँ पर हमें आज दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी हम भी बच्चे थे तब से बड़े हुए तब से कुछ ऐसे ही संस्मरण हमें याद हो गए कि जो हमें हर रोज याद रहेंगे, सारे दिन हमें याद नहीं, यानी कि साल के 365 दिन जो है वो सारे के सारे दिनों में हमने क्या किया वो याद नहीं होगा, परंतु वो साल यानी कि हमें जो भी कुछ ऐसे संस्मरण है जो हमारे जीवन के अंदर हमेशा हमें याद रहते हैं, वैसे ही संस्मरण वैसी ही यादें यहाँ पर लेखिका उनके साथ रानी के साथ जो बिताया हुआ समय था उसके कुछ संस्मरण यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अब स्टूडेंट हमें एक्सरसाइज जो है वो लिखनी है, वो लिख के अपने नोटबुक जो बनाई हुई है हिंदी की उसके अंदर लिख देना, ओके। यहाँ पर हम आज हमारे फर्स्ट सेम यानी कि प्रथम जो सत्र था उसका सिलेबस आज यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम थोड़े ग्रामर के जो टॉपिक है वो कर्तुवाचक यानी कि जो भी विशेषण आते हैं वो विशेषण के बारे में और एक दो समास के बारे में जो आता है वो हम देख लेंगे, ओके। थैंक यू।